हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म डंकी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? मैं आपके देश में रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। जय हिंद। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं 30 मिनट की डंकी डायरीज एंड साथ में बंदा गाना। बंदा गाना अलग से रिलीज किया गया है एज अ न्यू ड्रॉप, लेकिन जिन लोगों ने डंकी डायरीज देखी होगी तो 27 मिनट की डंकी डायरीज है एंड 3 मिनट का जो भी जितना भी वो मिनट का गाना है बंदा, वो इंक्लूड किया गया है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये डंकी डायरीज देखने के बाद आपकी एक्साइटमेंट जो है ना, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि गाइस, राजू हिरानी ने जो रिसर्च की इस फिल्म को बनाने के लिए एंड जो चीजें वो 30 मिनट बैठकर बात कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर, सबसे पहली बात तो यूनिक है, फील गुड है, एक ऐसी वाइब दे रही है कि वी आर गोना सी क्वालिटी सिनेमा ओवर हियर। शुरुआत होती है किस तरह से, शाहरुख खान कहते हैं परेशान हो गया हूं यार, बता दो कि डंकी क्या है, ये आप बता ही दो पूरी पिक्चर। तो राजीव रानी कहते हैं अगर पूरी पिक्चर बता दूंगा तो लोग थिएटर में क्या देखने के लिए आएंगे। शाहरुख खान बोलता है इसलिए तो आप राजकुमार हिरानी हो, वरना हम तो यहाँ बैठ के पूरी पिक्चर बता दिए होते थे। यहाँ पर तो हम बैठ के बात करेंगे तो क्या करेंगे। तो राजीव रानी कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो लोगों को दिखानी है, उसके बारे में बात करते हैं। पर पहली शुरुआत होती है घरों के साथ। यहाँ पर जिस जिस जगहों पर ये चाल चलन है नॉर्थ इंडिया में, जहां पर जिस घर से कोई व्यक्ति विशेष वो घर छोड़कर विदेश मूल जाता है, तो एक शान अपनी दिखाने के लिए उस घर के छत पर एक प्लेन बनाया दिया जाता है। अब वो प्लेन जो है सीमेंट का होता है, कभी कभार उस प्लेन के अंदर पानी भरा जाता है एंड कभी कभार उस प्लेन के अंदर दो बेडरूम के घर भी बना दिए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। शाहरुख खान अपने पैड रखा है सामने, वहां पे फ्लिप करते हैं सब फोटोज एंड सबसे मजेदार वाली चीज ये है कि वहां पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम आई थिंक वीजा गुरुद्वारा है। तो जिन लोगों को ओवरसीज जाना है यानी कि विदेश जाना है, वो वहां लिटरली माथा टेकने के लिए जाते हैं, हाथ में प्लेन लेकर जाते हैं एंड वो प्लेन वो जो है वहां चढ़ावा में चढ़ाकर आते हैं ताकि हमको जो वीजा लग जाए पासपोर्ट लेके जाते हैं। ये दो दृश्य जो है ना, आई थिंक फिल्म में लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। फिर गाइस, लोगों को यहाँ पर शाहरुख खान स्लाइड शो देते हैं एंड बताते हैं किस किस तरह से यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोर्चुगल जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं। कनाडा ट्रेवल्स का स्पेलिंग KNADA वो दिखाई जाती है। राजू हिरानी बताते हैं किस तरह से यहाँ पर इंग्लिश कोचिंग दी जाती है इन छोटे शहरों में एंड वो वहां पर मास्क लगाकर कोविड के टाइम पर इंग्लिश सीखने के लिए चले गए एंड कहा कि वाकई में इंग्लिश सीखना या डंकी रूट लेना है। डंकी रूट यानी कि वो इलीगल रूट जो लोग लेते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए एंड किस तरह से वहां पर राजू हिरानी ने बताया कि जब हम क्लास में गए इंग्लिश सीखने के लिए, वहां पर लड़की मस्त सूट वूट पहन के एकदम प्रेजेंटेबल लग रही थी, लेकिन जब मुंह खोला तो गड़बड़ हो गई। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट से आधारित पूरी की पूरी फिल्म जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर शाहरुख खान ने फिर और स्लाइड शोज जो है हमको दिखाना शुरू किया। विकी कौशल का किरदार आया, मैंने आपको कल ही एपिसोड में बताया था संजू के बेवड़े सीन के बारे में एंड गाइस, इस फिल्म में भी आप पे विकी कौशल का एक ड्रंक सीन है जो कि आइकॉनिक होने वाला है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान का एक ड्रंक सीन होने वाला है इस पिक्चर में जो कि राजू हिरानी जी ने बताया है, वो भी जबरदस्त। शाहरुख खान कहते हैं मैं सिगरेट और शराब नहीं पीता हूं, मैं नेचुरल एक्टिंग करता हूं, तो वो सीन काफी एक्साइटिंग लग रहा है। डंकी रूट के बाद किस तरह से कुछ लोग पकड़ाए जाते हैं एंड जो लोग पकड़े नहीं जाते हैं वो किस तरह से लाइफ जैकेट फेंके हुए हैं, फोटोज दिखाती है लाइफ जैकेट बीच में बिखरे हुए हैं, लोग किस तरह से भाग रहे हैं। फिर राजकुमार हिरानी ने बताया किस तरह से वहां पे एक ओरिजिनल जेल में शूट किया है, वहां पे कैदी चिल्ला रहे थे लोग शूटिंग के टाइम में, शाहरुख खान को लगा कह रहे फैन लोग चिल्ला रहे मेरे को एंड किस तरह से सब लाइव लोकेशन पर जो है फिल्म की शूटिंग की गई है, चाहे वो पिकाडिली हो, लंदन हो, बहुत सारी चीजें अभी दिखाई है। कुश्ती वाले सीन्स दिखाए गए हैं, बोमन ईरानी के इंग्लिश डायलॉग के सीन्स दिखाए गए हैं, ग्रेवयार्ड में शूट करा हुआ सीन दिखाया गया है। तो ये एक प्रॉपर वेल रिटन एंड रिसर्च्ड फिल्म बाय अभिजा जोशी एंड राजकुमार हिरानी लग रही है। जस्ट इमेजिन, 30 मिनट का इंटरव्यू देखने को मेरे को इतना मजा आया एंड मैंने इसको इनटू वन के स्पीड पर भी नहीं देखा, नॉर्मल स्पीड पर 30 मिनट देखा एंड मुझे पता भी नहीं चला कि 30 मिनट कब चला गया। एंड में बंदा गाना आता है, यहाँ पर शाहरुख खान भागते हुए दिखाई देते हैं, उनका ओल्ड कैरेक्टर, वो शादी का सीक्वेंस दिखाया जाता है, लुटपुटिया के सीक्वेंसेस एंड में आई थिंक कोर्टरूम में वो यहाँ पर कान में आई थिंक ट्रांसलेटर रहता है, वो बोल के बता रहे हैं कि आपके देश में रहने के लिए मैं अपने देश को गाली नहीं दे सकता।
जय हिंद, तो ये पूरा का पूरा डंकी डायरीज बहुत अच्छा है। एंड बंदा सॉन्ग जो है काफी कैची है, काफी एनर्जेटिक सॉन्ग जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक अगर मैं भूल जाऊँ तो क्षमा चाहता हूँ, मैं जितनी चीजें याद रख पाया मैंने आप सभी लोगों को बताया गाइस यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल इस फिल्म के एक्शन के बारे में बात किया गया कि श्याम कौशल जी, विकी कौशल के पिताजी, इस फिल्म में एक्शन दे रहे हैं। एक सीन था तो विकी कौशल को पिटवा देते हैं गुंडे, श्याम कौशल गुंडे विकी कौशल को पीटते हैं। तो इस बार पहली बार एक्शन भी राजकुमार हिरानी जो है अपनी फिल्म में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑल गाइस डंकी डायरीज हमको एक इनसाइट देती है कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डंकी रूट। एंड सबसे शॉकिंग, अब भैया क्या बोल रहा हूँ, सबसे शॉकिंग ये है कि राजू रानी कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 7 लोगों के पास पासपोर्ट है, एंड जो प्रिविलेज रहते हैं वही यहाँ पर पासपोर्ट लेते हैं। वो एक जो चीज है ना, स्टेटिस्टिक दिया है उन्होंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है दिया है। शाहरुख खान ने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से फिल्म बनी है, राजकुमार हिरानी ने कहा कि बहुत बड़ी फिल्म बन गई है जिस तरह से इमेजिन नहीं किया। शाहरुख खान ने कहा मैं चाहता था कि मैं राजू हिरानी की फिल्म में इन एंड एज रहूं डंकी, लेकिन भाई अपनी भी कोई इज्जत है यहाँ पर। तो काफी फन इंटरव्यू है, आधे घंटे का इंटरव्यू में बंदा गाना है, आप लोग जरूर इसे रेड चिलीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है वो जाकर एंजॉय कर सकते हो। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एडवांस बुकिंग फॉर डंकी हैज बिगन, गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।